अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी, टॉपिक कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल असेंबली। नेक्स्ट है कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन के अंदर हमने ये देखा कि पाँच से कम, एक से ज़ायद लोगों की इंटेंशन, कंसेंट, उनकी तवज्जो, उनकी मशावरत, प्लानिंग सेम थी। वो एक जुर्म करने के लिए जाते हैं, ऑन द स्पॉट तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उस जुर्म को डन करते हैं, तो कॉमन इंटेंशन के अंदर फॉल करेगा। बट कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कम से कम जिन अशखास का होना, कम से कम जितने लोगों का होना ज़रूरी है वो पाँच, कम से कम पाँच लोगों का होना कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर ज़रूरी है। पाँच से अगर नीचे होंगे, यही कॉमन इंटेंशन जो फर्दरेंस अगर पाँच या इससे बढ़ते हैं तो कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर फॉल करेगी। अगर पाँच या पाँच से कम लोग हैं तो देन ये कॉमन इंटेंशन कहलाएगी। बट कॉमन इंटेंशन के अंदर हमने एक चीज़ जो देखी वो ये कि तीन लोग एक जुर्म करने के लिए जाते हैं, एक शख्स उनमें से वापस आ जाता है या वो जुर्म नहीं करता या वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो जुर्म की जो एप्लीकेबिलिटी है वो उन दो अशखास के ऊपर होगी, उस तीसरे के ऊपर वो जुर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। बट कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर पाँच या पाँच से ज़ायद लोग जो कुछ जुर्म करने जाते हैं, एक मकसद को हासिल करने के लिए, एक किसी क्रिमिनल अचीवमेंट के लिए वो जाते हैं, छः लोग या सात लोग जाते हैं, उनमें से पांच लोग उस जुर्म को करते हैं, तीन उसको नहीं करते या दो उसको नहीं करते, तो वो दोनों भी उन पांचों के साथ शुमार किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल पांच से ज़्यादा लोग डिकेटी करने के लिए जाते हैं, डिकेटी की भी एक शर्त, जो एक कंडीशन है वो यही है कि कम से कम पांच लोग हों। अब एक शख्स चार लोग घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, चार लोग एक शख्स से पैसे जेवरात वगैरह छीन रहे हैं, पाँचवा जो शख्स है वो गाड़ी में बैठा है, वो उनसे छीन नहीं रहा। कॉमन इंटेंशन के अंदर ये चीज़ ज़रूरी है कि जो पांचवा है वो भी उस जुर्म के अंदर ऑन द स्पॉट मौजूद हो। यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि पांचवा ऑन द स्पॉट मौजूद हो, वो साइड पर भी है, वो पीछे भी है, वो उनको बैकअप दे रहा है, वो उनको कोई और सपोर्ट, कोई ऐड प्रोवाइड कर रहा है, तो देन भी वो उस जुर्म के अंदर वैसे ही शुमार किया जाएगा जैसे कि उन पाँचों ने वो जुर्म किया। कॉमन ऑब्जेक्ट के जो इंग्रीडियंट्स हैं वो अनलॉफुल असेंबली जो सेक्शन 144 के अंदर मैंशन कर दिए गए, कम से कम पाँच लोग जब किसी अनलॉफुल एक्ट को करने की ठानते हैं और उसको निकलते हैं एक जुर्म करने की नीयत से, तो वो अनलॉफुल असेंबली के अंदर फॉल करेंगे। ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, जो वो ऑफेंस कमिट करने जा रहे हैं उसकी जो प्रोसिक्यूशन है, उनकी जो शमूलियत है, जो वो उसको लीड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो तमाम एक ग्रुप के मेम्बर हों, वो तमाम एक ग्रुप की शक्ल में, लाइक ऐसे एक जैसे इज्तमा होते हैं या बहुत सारे लोग सड़कों के ऊपर निकलते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, 40-50 लोग किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के ऊपर, किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर हमला कर देते हैं, धावा बोल देते हैं, वो तमाम लोग एक दूसरे को जानते नहीं होते, उनकी प्लानिंग नहीं होती, बट उनका मकसद होता है अपना बदला लेना। फॉर एग्जांपल ये अक्सर बिजली की लोड शेडिंग के बारे में जो लोग एहतजाज करते हैं, जो लोग सड़कों के ऊपर निकलते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, तो हर शख्स इस चीज़ से एग्रीव्ड होता है कि हमें बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है या बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो एहतजाज कर रहे हैं, वो वापटा के ऑफिस के बाहर जाते हैं और वहाँ पर जाकर वापटा के दफ्तर के ऊपर हमला कर देते हैं। तो उनकी आपस में प्लानिंग नहीं है, बट उन सब की जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि हम वापटा को नुकसान पहुँचाएं, उनके दफ्तर को नुकसान पहुँचाएं, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको लॉस पहुँचाएं, तोड़ फोड़ करें। तो वो जब 20-30-50 लोग हैं, उन्होंने आपस में प्लानिंग नहीं की हुई, बट पाँच से ज़ायद लोग हैं, मकसद उनका सेम है, उनकी जो अचीवमेंट है, उनका जो पर्पज़ है वो सेम है, उनकी जो क्रिमिनल अचीवमेंट है वो सेम है सभी की, कि हम वापडा के दफ्तर के ऊपर हमला करते हैं, इसकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाएंगे, इनके शीशे तोड़ देंगे, इनके टेबल्स तोड़ देंगे, बट इससे पहले उनकी आपस में कोई प्लानिंग नहीं हुई। तो वो जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ये हमला किया, जिन्होंने उसके ऊपर धावा बोला, वो तमाम के तमाम कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 के अंदर फॉल करेंगे। कॉमन इंटेंशन के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में, वो एक पाँच से कम लोग हों, एक से ज़ायद, और कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर पाँच से ज़ायद लोग हों और उनका ऑब्जेक्ट सेम हो, उनका पर्पस सेम हो, उनकी अचीवमेंट सेम हो, बट उन्होंने प्लानिंग ना की हो, बट कॉमन इंटेंशन के अंदर पहले प्लानिंग भी की हो और जुर्म भी डन किया हो। अगर जुर्म डन नहीं करते तो उस प्लानिंग की बिहाफ के ऊपर उनको सजा नहीं होगी। कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर प्लानिंग नहीं है बट मकसद सेम है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया कि 20-30-50 लोगों का जो ग्रज है, जो उनका गुस्सा है, वो सेम है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम वापटा के दफ्तर के बारे में एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ से वो लोग बिफर जाते हैं, वो लोग गुस्से में आ जाते हैं, वो इंतशार में आकर वो हमला कर देते हैं वापटा के दफ्तर के ऊपर, 20-30 लोग, 50 लोग। तो इस दौरान में वो जितने भी लोग हैं वो कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर फॉल करेंगे,
कॉमन इंटेंशन में फॉल नहीं करेंगे, वो कॉमन ऑब्जेक्ट जब पाँच या पाँच से ज़ायद लोग होंगे दैन वो कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर फॉल करेंगे जहाँ पर उनका मकसद सेम था, चाहे उनके आपस में एक रिलेशनशिप था या नहीं, उनकी प्लानिंग थी या नहीं, बट उनका मकसद सेम था, उस मकसद को हमला करने के लिए, वापडा के दफ्तर को नुकसान पहुँचाने के लिए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए उनका जो पर्पज़ था, उनका मकसद था, वो सेम था, तो लिहाजा वो कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर फॉल करेंगे। सेक्शन 149 जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों सेक्शंस के अंदर, सेक्शन 34 और सेक्शन 149 के अंदर, सबसे पहले पर्सन सेक्शन 34 के अंदर कम से कम एक से ज़ायद और मैक्सिमम पाँच से कम होने चाहिए, मैक्सिमम चार हो। कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर कम से कम पाँच और मैक्सिमम जितने भी लोग हों। मीटिंग ऑफ माइंड कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 34 के अंदर पहले मीटिंग की गई हो, उनका माइंड सेम हो, उनकी इंटेंशन, उनकी कंसेंट सेम हो, बट कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्री प्लान नहीं, कोई पहले मीटिंग नहीं की, उनका माइंड सेम नहीं बट उनका ऑब्जेक्ट सेम है, उनका जो हदफ है वो सेम है, उससे पहले उन्होंने आपस में कोई प्लानिंग नहीं की, उन्होंने कोई आपस में मुशावरत नहीं की, बैठ के बातचीत नहीं की, कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो तमाम लोग एक जगह के ऊपर इकट्ठे हुए और उन्होंने हमला किया किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी शख्स के ऊपर। नेक्स्ट डिफरेंस पार्टिसिपेशन, सेक्शन 34 के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो तमाम लोगों का होना ज़रूरी है, जैसे कि हमने पहले मैंने आपको बताया कि अगर तीन लोगों ने प्लानिंग की है और ऑन द स्पॉट दो लोग मौजूद हैं तो वो तीसरा उस जुर्म में फाल नहीं करेगा। तीसरा उस जुर्म में फाल तब, कॉमन इंटेंशन का बेसिक मकसद क्या है कि तीनों ने एक जुर्म करने की ठानी और वो जुर्म करने के लिए गए भी, उन्होंने उस जुर्म को डन भी कर दिया। अब जब तीन लोगों ने एक जुर्म करने की ठानी, दो लोग गए, तीसरा नहीं जाता, डैट मीन वो उस जुर्म के अंदर शामिल नहीं है या वो उस जुर्म को करना नहीं चाहता, प्लानिंग तो की बट करना नहीं चाहता। तो जो अशखास, जो लोग ऑन द स्पॉट मौजूद होंगे, जस्ट वही कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 के अंदर फॉल करेंगे, बट सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर ऑन द स्पॉट अगर कोई मौजूद है या नहीं, 20, 30, 50 लोग जब एक वापडा के दफ्तर के ऊपर हमला करते हैं तो 10, 12 लोग जो तोड़फोड़ कर रहे हैं और बाकी तोड़फोड़ नहीं कर रहे, बट वो उनको डिफेंस, उनको सिक्योरिटी, उनको प्रोटेक्शन फराहम कर रहे हैं, उनके साथ वो मौजूद है, उनकी दादरसी कर रहे हैं, उनको हौसला दे रहे हैं, तो वो बाकी तमाम लोग भी उस जुर्म में वैसे ही शुमार किए जाएंगे जैसे कि जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो नुकसान पहुँचा रहे हैं। नेक्स्ट इसका डिफरेंस है एक्ट इज़ डन। कॉमन इंटेंशन तब अप्लाई होगा जब किसी एक्ट को डन कर दिया जाए। तीन लोगों ने या चार लोगों ने प्लानिंग की लेकिन उन्होंने जुर्म नहीं किया तो डेट इज़ नॉट सफिशेंट एप्लीकेबल ऑफ कॉमन इंटेंशन, देन ये कॉमन इंटेंशन के अंदर फॉल नहीं करेगा। तीन लोग प्लानिंग करते हैं, जब तक वो जुर्म को डन नहीं कर लेते तब तक कॉमन इंटेंशन में फॉल नहीं करेंगे, बट 20, 30, 50 लोग एक वापडा के दफ्तर के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, चलते हैं, लगता ये है, अगर उन्होंने हमला नहीं भी किया बट पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लगता ये है कि ये लोग इतने गुस्से में हैं, मुमकिन है कि ये हमला कर देंगे, तो वो इसलिए उनको अरेस्ट कर लेंगे और उनके ऊपर सेक्शन 149 अप्लाई हो जाएगा कि मुमकिनात में से था, प्रोबेबल था कि ये लोग कॉमन ऑब्जेक्ट की तरफ जाते, कॉमन ऑब्जेक्ट को रेज करते, तो इसलिए हमने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, वापडा की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हमने इन लोगों को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर ये FIR दी 149 की। तो डैट मीन सेक्शन 34 तब अप्लाई होगा जब एक जुर्म की प्लानिंग की और उसको डन भी कर दिया, लेकिन 149 अप्लाई तब ही हो जाएगा जब आपने चाहे जुर्म डन किया या नहीं किया, आप उस जुर्म को करने की तरफ जा रहे हो तो देन सेक्शन 149 अप्लाई हो जाएगा, कॉमन ऑब्जेक्ट अप्लाई हो जाएगा और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको अरेस्ट करने के लोगों को बाउंड है, पाबंद है अकॉर्डिंग लॉ।